सो है गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो गाइस देखिए, मैं आज जा रहा फिर ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, जापानीज ग्रोसरी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। तो गाइज, मैं फाइनली पहुंच गया जो ग्रोसरी मार्केट में, ठीक है, सुपर मार्केट में पहुंच गया। अभी जा रहा हूँ अंदर में शॉपिंग करने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, ओके, ठीक है। तो गाइज, मैं अभी अंदर एंट्री कर रहा हूँ। देखिए, सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा। तो गाइज देखिए, ऑरेंज जो है 8 पीस ऑरेंज लगा है 398 yen में। एप्पल भी लेना है मुझे, एक पैकेट एप्पल भी ले लेता हूँ। देखिए 598 yen। और भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जापान का 100 yen जो है इंडिया का 65 rupees होता है, 65 rupees, तो उस हिसाब से आपको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं एक पैकेट ले लिया। अच्छा, खीरा बहुत महंगा है, खीरा नहीं लेंगे। तो देखिए, ये एक विनेगर है, विनेगर ले लिया 285 yen। और सब चीज़ का साथ में 8% प्लस टैक्स होगा, ये ध्यान पे रखिए। और ये जो है देखिए, डीप फ्रीज का कॉर्न ले लिया मैंने, कॉर्न 2 पैकेट, एक पैकेट का है 198 yen, 158। वहाँ से लेना है क्रीम, ये देखिए 200 ml का क्रीम है, 95 yen। ये मैंने ले लिया 4। अब लूँगा सब्जी, फ्रोजन का सब्जी जो डीप फ्रीज में रहता है। ये देखिए आरबी है, 2 पैकेट आरबी ले लिया। ये सब डीप फ्रीज का सामान है। ये देखिए पालक है, 2 पैकेट पालक ले लिया, एक पैकेट का है 198। ले लिया बारीक काटा हुआ भिंडी 2 पैकेट, एक पैकेट भिंडी का है 178, 178 yen। अब लेना है बड़ा भिंडी, भिंडी ले लेता हूँ 2 पैकेट, इसका भी 198। और आप ले लेते हो सोयाबीन 2 पैकेट, ये देखिए सोयाबीन है, ठीक है, जिसको बॉईल करके खाता है जापानीज लोग, 148 यानी 1 पैकेट का ले लिया 2 पैकेट। मिक्स शिमला मिर्ची होता है वो लेना है, तो हम लोग ड्रेसिंग में यूज़ करता हूँ, ये 2 पैकेट ले लेता हूँ, ये ले लिया 2 पैकेट मिक्स शिमला मिर्ची।
178 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
तो गाइस आप लोग का थोड़ा आप लोगों को थोड़ा दुकान भी दिखा देता हूँ मैं घूम वहाँ फिरा के। ऑलिव ऑयल ये देखिए 910 ग्राम का, ये क्या है ऑलिव ऑयल, इसका अंदर क्या जम गया क्या? तो चलिए एक ये ऑलिव ऑयल ले लेता हूँ 648 यन, 648 यन, ठीक है ये भी एक ले लिया। बस ये देखिए सुपरमार्केट जो है जापान में ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा है, सब सामान मिलता है यहाँ पर, यह है सुपरमार्केट। अब लेना है मुझे स्पून, ये प्लास्टिक का स्पून है, एक पैकेट का है 335 यन, 3 पैकेट ले लिया मैंने। बस तकरीबन मेरा मार्केटिंग हो गया और थोड़ा सा बाकी रह गया। अभी लेना है एग, ये लास्ट है, देखिए एक पैकेट में 10 अंडा रहता है, 10 अंडा का 134 यन प्लस टैक्स करके ये है। तो आप लोग जो हर चीज़ में 8% जो है टैक्स जुड़ लीजिएगा, ठीक है। और जापानीज 100 यन का जो है इंडियन होता है 65 रुपीज़, उस हिसाब से आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैंने 6 पैकेट अंडा ले लिया है, तो गाइस मेरा मार्केटिंग हो गया लगभग, अब जा रहा हूँ मैं बिल पेड करने के लिए। तो गाइस देखिए मेरा जो मार्केटिंग है टोटल कंप्लीट हो गया, बिल भी पेड हो गया। तो मैंने देखिए जापानीज यान में जो है, जापानीज यान में देखिए 8195 यान का मार्केटिंग किया, लगभग इंडिया का 5-6 हज़ार का हो जाएगा मार्केटिंग, ठीक है ये है। अब मेरा जो हीरो होंडा है वहाँ पर खड़ा है, वहाँ पर मुझे ये लोडिंग करना है, बस मार्केटिंग का ये पूरा हो गया। मैं अब जा रहा हूँ रूम का तरफ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए गाइस। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ हमेशा, जापान का बारे में, जापान का कल्चर हो जो भी हो, तुम जापान वीज़ा हो या जापान का जो सिटी गाँव सब कुछ मैं दिखाते रहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अगर इस तरह का वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, खुश रहिए, मस्त हो गए यार, ओके बाय।